हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं तमिलनाडु के एक बेहद खास शहर विल्लोर के सफर पे। विल्लोर शहर जो कि विल्लोर डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है, ये पलार नदी के किनारे राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। विल्लोर भारत की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है जो कि मुंबई चेन्नई मुख्य मार्ग पर स्थित है। शहर की डाटा और डेमोग्राफी पर नजर डाले तो यह शहर 87.9 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जहां की आबादी 6,90,000 से भी अधिक की है। विल्लोर शहर तमिलनाडु का सातवां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों सड़क पर यदि आपको अधिकतर गाड़ियां TN23 नंबर प्लेट की दिख जाएं, तो समझ लीजिए आप तमिलनाडु के विल्लोर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा तमिल है, लेकिन यहाँ हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा भी बोला जाता है। यह शहर अपने चमड़े के बने प्रोडक्ट के निर्यात के लिए जाना जाता है। इस शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किया गया है। दोस्तों ये चोल साम्राज्य का हिस्सा रहा है, जिसकी गवाही यहाँ की कई सारी प्राचीन मंदिरें देती है। जब पूरे भारत पर आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति और गौरव को खंडित किया था, तब यहाँ के महान चोल शासकों ने हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षा की थी। दोस्तों यहाँ 80.9% हिंदू, 14.28% मुस्लिम और 4.97% क्रिश्चियन धर्म के लोग निवास करते हैं। आवागमन की बात करें तो ये राष्ट्रमार्ग 48, 38, 40 और 75 से अच्छी तरीके से जुड़ा है, जिससे ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से अच्छी खासी कनेक्टिविटी रखता है। रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ का कटपाड़ी जंक्शन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो कि भारत के सभी बड़े शहरों से रेल के माध्यम से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का विल्लोर एयरपोर्ट यहाँ का मुख्य एयरपोर्ट है, जो कि शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भारत के सभी बड़े शहरों से फ्लाइट के जरिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखता है। तो दोस्तों अंत में ये जान लेते हैं कि कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में जहां आपको जरूर विजिट करने जाना चाहिए, जिसमें आप यहां के श्री लक्ष्मी नारायणी गोल्ड टेम्पल, विल्लोर फोर्ट, जलकांदेश्वरर मंदिर, श्री मार्गाबंदेश्वरर मंदिर, पलामाथी मंदिर और आप यहाँ के पलामाथी हिल्स पर घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पार्ट 2 लिखकर ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।